लिटिल गणेश ने अपना साइज बड़ा कर लिया था और मैजिक करने के बाद भी उनका साइज छोटा नहीं होता और इसी कारण से वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं, लिटिल शेरा क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, मुझे मेरा साइज छोटा करना है। और फिर लिटिल शेरा कहता है, मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मैजिकल पावर नहीं है, आपकी मदद तो बस अब लिटिल कृष्णा ही कर पाएंगे, पर उससे पहले आप अपने मोदक खा लीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और फिर गणेश वो मोदक ले लेते हैं और उनकी सुगंध उनको बहुत अच्छी लगती है और फिर उनकी सुगंध से वो बहुत मोहित हो जाते हैं और वो खा लेते हैं। और फिर बाद में खाने के बाद वहाँ पे हलचल मच जाती है और उसी हलचल के पीछे और कोई नहीं कालकासुर था। और कालकासुर वहाँ करके कहता है, लिटिल गणेश अगर तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो तो आ जाओ और लिटिल शरा तुम भी आओ, आज देखूंगा कि किस में कितना दम, तुम्हें तो मुझे हराने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चले।